हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, मोटोरोला ने सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और कीमत रखी है 29,500 रुपये। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले साइज की, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सिनेमा विजन डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पर HDR10 का सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आता है 4GB रैम और 64GB की शुरुआती वेरिएंट के साथ में। साथ ही आपको स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर भी आपको मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है। साथ ही ये स्मार्टफोन 6GB रैम और 128GB की वेरिएंट के साथ भी आता है। इसके अलावा बात करें फोन में कैमराज की, तो फ्रंट में आपको मिलते हैं डुअल पंच होल कैमरा, जहां पर आपको 16+5 मेगापिक्सल के डुअल सेल्फी कैमराज देखने को मिलेंगे। रियर की बात करें तो रियर में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोन में दी गई है 5000mAh की मैसिव बैटरी, जहां पर आपको 20W का टर्बो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिलेगा, जैसे कि आप Redmi Note 9 Pro वगैरह में देख चुके हैं। इसके अलावा फोन रन करता है Android 10 पर और इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर, जो कि अब तक का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है। और ये इंडिया में कब तक आएगा अभी कोई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिसकी कीमत है वो इंडिया में हो सकती है 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में, तो देखना होगा ये इंडिया में कब तक आता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें टेक्निकल NG।